हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर सिक्स द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में देखेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल एम्पायर जो है स्लेव डायनेस्टी और जो तुखलक डायनेस्टी है, ठीक है, और जो सबसे लास्ट में जो था लोधी डायनेस्टी, ठीक है, जो हमने पांच डायनेस्टी इससे पहले वाले चैप्टर्स में देखे थे, तो वो जो तुर्किश लोग थे उसके बाद जो है मुगल डायनेस्टी के बारे में हमको देखना है। तो जो तुर्क के जो सुल्तान हुआ करते थे ना, जो हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स में देखा, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, वो जो है जो डायनेस्टी आई है उसके बाद वो है मुगल अम्पायर, मुगल डायनेस्टी। तो इसके फाउंडर थे बाबर, और उसके बाद हम हुमायूं के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम शेर शाह सूरी के बारे में देखेंगे, और उसके बाद में जो है हम अकबर के बारे में देखेंगे, और इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसके उसमें हम अकबर के जो आगे के जो वंशज थे उनके बारे में हमको देखना है, जैसे कि शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया, औरंगजेब हो गया। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा डेडिकेटेड है बाबर और अकबर के लिए। तो यहाँ पे हम बाबर टू अकबर देखना है हमको 1526 से 1605 तक। तो इससे पहले जो है हमने सुल्तान वगैरह के बारे में देखा, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर जिसमें हम मुगल एम्पायर को किसने बनाया, कैसे बनाया, उसको देखेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव लर्न्ड हाउ तुर्क सुल्तान डिफीटेड पावरफुल एंड स्मॉल किंग्स टू एस्टैब्लिश अ लार्ज सुल्तानेट इन दिल्ली। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने देखा कि जो तुर्क सुल्तान है उन्होंने कैसे जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, छोटे छोटे किंग्स थे, उनको हटाया, ठीक है, और एक बहुत बड़ा सुल्तानेट बनाया दिल्ली में। तो दिल्ली सुल्तानेट रूल्ड इंडिया फॉर अबाउट 200 ईयर्स। तो दिल्ली सुल्तानेट कब से कब पीरियड में था, 200 साल तक, ठीक है। इस लार्ज डायनेस्टी वाज द लोधी डायनेस्टी विच वाज वीक एज अ रिजल्ट द कंट्री वाज अगेन डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम्स। तो ये जो तुर्किश सुल्तान थे उनकी लास्ट डायनेस्टी जैसे कि मैंने बताया लोधी डायनेस्टी थी, ठीक है। तो ये जो थे डायनेस्टी थे ये वीक थी, इसके बाद जो है कंट्री जो हमारी कंट्री जो है फिर से छोटे छोटे जो किंगडम्स है उसमें बट गई। तो अब हमको देखना है बाबर के बारे में 1526 से लेके 1530, ठीक है। तो 4 साल उन्होंने राज किया, उनके बारे में हमको देखना है। तो बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। तो मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन थे, बाबर, ठीक है। व्हेन ही वाज 13 ईयर ओल्ड ही इनहेरिटेड अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी ऑफ फरघाना इन सेंट्रल एशिया फ्रॉम हिज फादर। तो ये जो बहुत छोटे थे मतलब 13 साल के थे तब उन्होंने क्या है उनको विरासत में मिली उनके जो पिता थे उनके छोटा सा प्रिंसिपैलिटी मतलब छोटा सा एरिया, छोटा सा मतलब आप गांव बोल सकते हैं, ठीक है। तो फरघाना, ठीक है, फरघाना का छोटा सा एरिया उनको मिला जो कि सेंट्रल एशिया में उनके फादर से ही। बस यंग एंड इनएक्सपीरियंस सो हिज ओपोनेंट ड्रॉप आउट ऑफ फरघाना। तो वो क्या है उस समय बहुत छोटे थे, 13 साल के थे, मतलब बहुत छोटे थे, मतलब जैसे कि अभी आपकी एज है 6-7 के बच्चों की एज होती है 13-14 ईयर्स की। तो वो क्या थे उस समय बहुत ही यंग थे, मतलब बहुत ही छोटे थे और उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था राजकाज चलाने का, ठीक है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो उनके जो दुश्मन है उन्होंने उनको हटा दिया, ठीक है, ड्रॉ हिम आउट ऑफ फरघाना मतलब उनको वहां से हटा दिया, ठीक है। उनसे लड़ाई वगैरह हुई होगी तो लड़ाई के बाद आखिर में उसको उनको हरा के वहां से उनके राज्य से उनको हटा दिया। ही ट्राइड मेनी टाइम्स टू रिकैप्चर हिज किंगडम बट फेल्ड। और उन्होंने कई बार कोशिश की जो अपना जो किंगडम है जो फरघाना है उसको फिर से अपने कब्जे में कर सके, रिकैप्चर मतलब वो अपने कब्जे में कर सके, लेकिन क्या है वो हर बार फेल हो गए, हार गए। सो ही टर्न हिज अटेंशन टू काबुल कॉन्करिंग द किंगडम एंड एस्टैब्लिश हिज रूल देयर। तो उन्होंने जो है फिर क्या किया, भाई अपना किंगडम नहीं मिल रहा है तो वो दूसरे किंगडम्स मतलब काबुल, ठीक है, काबुल एक जगह का नाम है, तो वहां पे अपना अटेंशन मतलब अपना ध्यान वहां पे केंद्रित किया और वो जो किंगडम है काबुल का उसको कॉन्कर किया, मतलब अपने कब्जे में कर लिया, अपने अधीन कर लिया और वहां पे अपना रूल जो एस्टैब्लिश कर लिया। देन ही ट्राइड टू एक्सपांड हिज एम्पायर बट ही कुड नॉट डिफीट द किंग्स ऑफ सेंट्रल एशिया। फिर उसके बाद वो फिर से कोशिश करने लगा कि अपना जो एम्पायर है, ठीक है, अपना जो राज्य है उसको फैलाए, लेकिन वो जो सेंट्रल एशिया के जो किंग्स थे उनको हरा नहीं पाए, डिफीट मतलब हरा नहीं पाए। एट दैट टाइम नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम रूल्ड बाय राजपूत किंग्स। और उस समय जो है नॉर्थ इंडिया जो है बहुत छोटे छोटे किंगडम से बटा हुआ था और वो जो किंगडम है उनको कौन रूल किया करते थे, राजपूत किंग्स। द दिल्ली सुल्तान इस वक्त रूल्ड बाय लोधी सुल्तान। वन ऑफ इट्स गवर्नर इन पंजाब दौलत खान वॉन्टेड टू ओवरथ्रो सुल्तान इब्राहिम लोधी सो ही वॉन्टेड बाबर टू दिल्ली। तो दिल्ली सुल्तानेत जो है उस समय लोधी सुल्तान से ना तो दो ही डायनेस्टी वहां पे रूल कर रही थी तो उनका एक गवर्नर था, ठीक है,
पंजाब में, जिसका क्या नाम था, दौलत खान। और वो चाहता था कि जो सुल्तान इब्राहिम लोधी है उसको वो राजगद्दी से हटा ले, तो इसलिए जो है वो इनवाइट करता है बाबर को कि वो इंडिया आए और इंडिया में दिल्ली पे कब्जा करे। तो दौलत खान जो है इब्राहिम लोधी का क्या है, रिश्तेदार ही रहता है, लेकिन वो क्या है इसके खिलाफ है ना, इब्राहिम लोधी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचता है, मतलब एक षड्यंत्र रचता है जिसमें वो बाबर को बुलाता है और दिल्ली पे कब्जा करवाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्मी, बाबर की जो आर्मी है उसकी पिक्चर दी गई है। तो आगे हमको देखना है बाबर फोर्ट इब्राहिम लोधियन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, इंपॉर्टेंट है ठीक है, कब कौन सी बैटल कब कौन सी डेट में हुई कहाँ पे हुई। तो बैटल ऑफ पानीपत है ना, बैटल ऑफ पानीपत इसलिए, बैटल फील्ड ऑफ पानीपत ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो लड़ाई है वो कहाँ पे हुई है, पानीपत नाम के जगह पे हुई। कब हुई है, 1526, किसके बीच में हुई है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। आर्मी वॉज अ स्मॉल बाबा वॉज अ गुड जनरल एंड सोल्जर्स वे वेल ट्रेन एंड एक्सपीरियंस इन वॉर फॉर। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है यद्यपि, मतलब परंतु किंतु, कि जैसे मतलब वो उसकी जो आर्मी थी वो क्या थी, छोटी थी है ना, वो बहुत बड़ी आर्मी लेके नहीं आया था बाबर, लेकिन वो क्या था, एक बहुत ही अच्छा जनरल था ठीक है, एक बहुत ही अच्छा सैनिक था, एक बहुत ही अच्छा मतलब लड़ाई लड़ने की उसमें अच्छी ताकत थी, और उसके जो सोल्जर्स थे वो भी बहुत अच्छे से ट्रेन थे और उनको बहुत ही लड़ाई लड़ाई वॉरफेयर में मतलब लड़ाई लड़ने का एक्सपीरियंस भी था। दे हैड गन एंड कैनन्स विच इंडियन रूलर्स डू नॉट पर्सेस, और उनके पास क्या थे, गन्स थे और कैनन्स थे जो इंडियन रूलर्स के पास नहीं हुआ करते थे। तो गन्स आप सबको पता है जो बंदूक होती है, और कैनन्स जो होते हैं जो तोप चलाते हैं उसको कैनन्स कहा जाता है, जिसमें एक गोल सा वो रहता है ना, जिसको जिसमें गोला बारूद डालते हैं और वो उड़ता है और उसके बाद जो है दुश्मन को तबाह कर देता है। तो हिज क्लेवरी मैन वेर ऑल्सो गुड आर्चर्स, और उनके जो क्लेवरी मैन थे जो घुड़सवार थे वो भी क्या थे, बहुत ही अच्छे तीरबाज थे। तो बाबर्स आर्मी वाज दस एबल टू डिफीट द आर्मी ऑफ दिल्ली सुल्तान, तो इसलिए जो है बाबर की जो आर्मी है वो क्या है, उन्होंने हरा दिया दिल्ली सुल्तान थे उनको। अब आफ्टर द बैटल द बाबर जनरल वांटेड टू लूट द वेल्थ ऑफ दिल्ली सुल्तान एंड गेट रिटर्न टू काबुल, बट ही वांटेड टू स्टे बैक एंड एस्टैब्लिश एन एम्पायर। तो लड़ाई के बाद है ना, बाबर ने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन बाबर के जो जनरल थे वो क्या चाहते थे कि वो दिल्ली में जो भी वेल्थ है ना, जो भी वहां का खजाना है उसको लूट ले और वापस चले जाए काबुल, उनका जो देश था वहां पे। लेकिन बाबर जो है उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वो यहाँ पे रुकना चाहते हैं, स्टे बैक करना चाहते हैं और यहाँ पे अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। ही डिफीटेड सेवरल अदर स्मॉल किंग्स एंड एनेक्स्ड देयर किंगडम्स टू हिज ग्रोइंग एम्पायर। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे रहना ही पसंद किया और उन्होंने जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, किंग्स थे, उनको हराया, डिफीट किया मतलब हराया, और उनके जो किंगडम्स है उसको एनेक्स कर लिया, मतलब उनपे कब्जा कर लिया और अपना जो एम्पायर है उसको बहुत ज्यादा वो बढ़ा लिए। उसके बाद हमको देखना है बाबर और राणा संगम के बारे में। तो इन दोस डे राणा संगम वाज द राजपूत किंग ऑफ मेवाड़, ही ट्राइड टू स्टॉप बाबर्स एडवांस एंड मेनी राजपूत चीफ्स एंड के अफगान नोबल्स जॉइंड हिम इन बैटल। तो उन दिनों ठीक है, इन दोस डे मतलब उन दिनों जो राणा सांगा था वो क्या था, राजपूत किंग था मेवाड़ का। तो वो ही ट्राइड टू स्टॉप बाबर्स एडवांस, मतलब जो बाबर बढ़ रहा था, आगे बढ़ते जा रहा था, सारे जो किंगडम्स है उनको अपने कब्जे में करते जा रहा था, तो बाबर को वो रोकना चाहते थे। तो उन्होंने मैनी जो राजपूत चीफ्स और अफगान नोबल्स है वो भी क्या है, राणा संगम के साथ हो गए और बैटल और जो लड़ाई है उसमें उनका साथ देने लग गए ठीक है। तो राणा संगम वाज एक्सपीरियंस एंड हीरोइक लीडर हु हेडेड एन आर्मी दैट वाज मच बिगर देन बाबर्स। तो राणा संगम क्या थे, बहुत ही ज्यादा उनको एक्सपीरियंस था और एकदम हीरोइक लीडर थे वो ठीक है, और वो अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहते थे, और उनकी आर्मी भी जो है वो बहुत ही बड़ी थी, जो बाबर की आर्मी थी उससे काफी ज्यादा बड़ी थी। व्हेन ही सॉ द राजपूत प्रिपेयरिंग फॉर बैटल बाबर सोल्जर्स वेयर डिमोरलाइज्ड, तो जब उन्होंने देखा कि राजपूत जो हैं उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है और वो प्रिपेयर कर रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए, तो जो बाबर के जो सोल्जर्स हैं वो क्या हो गया, डिमोरलाइज, मतलब वो अपना जो है आत्मविश्वास जो है उसको खोने लग गए। तो ही डिडंट वांट टू फेस राजपूत आर्मी, और इसलिए जो है वो बिल्कुल फेस नहीं करना चाहते थे राजपूत की जो आर्मी थी उनको। तो बाबर ट्राई टू रेज देयर मोरल, तो बाबर चाहते थे कि वो उनका जो आत्मसम्मान है उसको खो दिया, उनको वो फिर से वापस लाए। ही टुक अ वोट
टू गिव अप ड्रिंकिंग। तो इसलिए उन्होंने क्या एक वादा किया कि वो अब बिल्कुल शराब और आप हाथ नहीं लगाएंगे। ही ऑल्सो गिव अ स्टीरिंग स्पीच, माई ब्रेव वॉरियर्स, ऑल ऑफ अस हु आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड हैव टू डाई वन डे। और उन्होंने एकदम बहुत ही जोशीला स्टीरिंग स्पीच, मतलब बहुत ही जोश के साथ एक स्पीच बोला कि मेरे जो ब्रेव वॉरियर्स हो, मेरे जो ब्रेव सैनिक हो, मेरे जो बूढ़े सैनिक हो, कि हम सब जो है जिन्होंने हम सब ने जो जन्म लिया है उनको एक ना एक दिन क्या है मरना है। तो हमको क्या है मरना है एक ना एक दिन, तो क्यों ना लड़े ऐसे ही कि मतलब एकदम हिम्मत के साथ लड़े, है ना, मतलब एकदम करेज के साथ हम लोग लड़े। ठीक, तो इफ यू विन वी कैन एस्टेब्लिश एन एम्पायर। उन्होंने क्या कहा कि जब हम जीत जाएंगे तो हम अपना एक बहुत ही बड़ा एम्पायर बना लेंगे। तो इफ वी डाई इन बैटल वी विल डाई एज मैटर। और अगर हम बैटल में मर जाते हैं, हम लड़ाई लड़ने में मर जाते हैं, तो हम शहीदों की तरह मरेंगे। टू डाई विद ऑनर इज बेटर टू लिव इन डिसग्रेस। तो उन्होंने और क्या कहा कि मरना है ना आत्मसम्मान के साथ, किसी सम्मान के साथ मरना ज्यादा बेटर है रेदर देन कि हम एक डरा हुआ एक कलंक के साथ हम जीते रहे कि हमने लड़ाई नहीं लड़ी और हम एकदम हार गए, है ना, हमने सोच के पहले से ही हार मान ली। इस तरीके से जीने से अच्छा तो है हम बैटल में मर जाए। तो फायर्ड बाय हिज स्पीच बाबर सोल्जर्स इंफ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन राणा सांगा एट द बैटल फील्ड ऑफ खनवा इन 1527। तो फायर मतलब एकदम जोश आ गया ये सब स्पीच वगैरह सुनने के बाद। तो बाबर के जो सोल्जर्स है, ठीक है, उन्होंने एकदम जबरदस्त हमला किया राणा सांगा की जो आर्मी थी उनकी उनके और उनको हरा दिया बैटल ऑफ खनवा में 1527 में विथ ऑल हिज पावरफुल ओपोनेंट बैकेज। तो अब क्या है जो जितने भी उनके पावरफुल जो ओपोनेंट्स थे, जो दुश्मन थे, वो क्या है बिल्कुल हार गए थे, ठीक है, उनका खात्मा हो चुका था। तो बाबर वाज एबल टू एस्टैब्लिश मुगल एम्पायर इन इंडिया। और अब फिर जो है बाबर ने एस्टैब्लिश कर लिया अपना एम्पायर। ही वाज फाउंड ऑफ गार्डन्स एंड हैड सेवरल गार्डन्स इन मुगल स्टाइल्स लेड अक्रॉस हिज किंगडम। तो बाबर जो है उनको गार्डन वगैरह बहुत पसंद थे, गार्डन बनवाना बहुत पसंद थे, तो उन्होंने बहुत सारे गार्डन बनाए, वो भी मुगल्स का जो स्टाइल था उसमें। तो ही ऑल्सो रोट अ डिटेल अकाउंट ऑफ हिज लाइफ एक्सपीरियंस अबाउट हिज ऑटोबायोग्राफी। और ये वो टाइम था जब किंग्स अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखा करते थे। तो उन्होंने डिटेल में अपना जो लाइफ, उन्होंने लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस फील किए, जो उनके जो एक्सपीरियंसेस थे उनके जो जीवन के, ठीक है, उन्होंने जीवन में क्या क्या जो अनुभव किया, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव किया, उसको अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में लिखा। तो रिटन इन टर्किश अंडर द टाइटल तुर्किश बाबरी, इट इज पॉपुलर नॉन एज बाबरनामा। तो ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी और इसे क्या कहा जाता है तुर्किश बाबरी, और इसे पॉपुलरली बाबरनामा भी कहा जाता है। उसके बाद हमको देखना है हुमायूं, जिन्होंने 1530 से लेकर 1556 तक राज किया। तो आफ्टर बाबर डेथ हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं असेंडेड द थ्रोन। तो बाबर की डेथ के बाद जो इनका सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, उन्हें राजगद्दी में बैठा दिया गया। तो ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू गवर्न द टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय हिज फादर। और उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना पड़ा, जो उनके फादर ने जो टेरिटरीज अपने कब्जे में रखी थी, ठीक है, उनको अब गवर्न करना, उनमें राज्य करना उनको बहुत ही मुश्किल हो रहा था। He did not get any support from his brothers and Sultan of Gujarat. क्यों? क्योंकि उनको जो उनके जो ब्रदर्स है उनसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो उनका उनके खिलाफ खड़े हो जा रहे थे, और जो सुल्तान ऑफ गुजरात है वो भी उनका साथ नहीं दे रहा था। तो इसलिए उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो राजपूत किंग्स एंड अफगान नोबल्स ऑल्सो अपोज्ड हिम। तो जो राजपूत किंग्स थे और जो अफगान नोबल्स थे वो भी उनका उनको अपोज करने लगे, उनका विरोध करने लगे। हुमायूं वाज एबल टू कैप्चर मालवा एंड गुजरात बट ही कुड नॉट एस्टेब्लिश हिज कंट्रोल ओवर ईस्टर्न इंडिया। तो हुमायूं जो है वो मालवा और गुजरात में उन्होंने कैप्चर कर लिया वो जो रीजन था, लेकिन उनका जो कंट्रोल है वो ईस्टर्न इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। He was defeated by Sher Shah, the Afghan Sardar of this region, and was forced to flee from India. तो जो अफगान सरदार थे, ये जो रीजन थे ईस्टर्न इंडिया के, उन्होंने हरा दिया, और इनका क्या नाम था शेरशाह, ठीक है। तो शेरशाह ने इनको हरा दिया और इनको मतलब फोर्स किया कि ये यहाँ इंडिया से भाग जाए, फोर्स टू फ्ली मतलब भाग जाए। तो हुमायूं वॉन्डर्ड अराउंड फॉर 15 इयर्स एंड वाज गिवन शेल्टर बाय शाह ऑफ ईरान। तो हुमायूं जो है वो 15 साल तक भटकते रहे, वॉन्डर मतलब भटकते रहे, और फाइनली उनको शेल्टर किसने दी, शाह ऑफ ईरान ने। तो ये कह रही
कैप्चर दिल्ली इन 1555 विद द हेल्प ऑफ विद द शाह हेल्प एंड रीएस्टैब्लिश मुगल एम्पायर इन दिल्ली। तो उन्होंने दिल्ली को फिर से अपने कब्जे में किया 1555 में, और किसके साथ, शाह जो शाह ऑफ ईरान थे उनके साथ उन्होंने मिलकर दिल्ली में फिर से कब्जा कर लिया और फिर से जो है अपना जो एम्पायर है मुगल एम्पायर दिल्ली में एस्टैब्लिश कर लिया। बट ही डाइड इन 1556 व्हेन ही स्लिप्ड ऑन द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी इन पुराना किला इन दिल्ली। लेकिन क्या है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात रही, 1555 में फिर से एम्पायर खड़ा किया लेकिन एक साल बाद ही वो क्या है उनकी मृत्यु हो गई। कैसे, वो क्या है सीढ़ियों से गिर गए, स्लिप्ड ऑन द स्टेयर्स, स्लिप मतलब पिसल जाना, स्टेयर्स मतलब सीढ़िया, तो सीढ़ियों से पिसल कर गिर गए अपनी जो लाइब्रेरी थी वहां पर पुराना किला दिल्ली में, उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे मुगल एम्पायर के साथ साथ हमको शेरशाह के बारे में भी देखना है, जिन्होंने 1540 से लेकर 1545 तक दिल्ली पे कब्जा रखा, अपना एम्पायर खड़ा करके रखा। तो शेरशाह वासर अफगान अमीर फ्रॉम बिहार, तो ये क्या थे, अफगान नोबल थे, ठीक है, अमीर मतलब नोबल थे, ठीक है, बिहार से। ही वॉज अ सन ऑफ अफगान जागीरदार ऑफ सरासम इन बिहार, और ये किसके बेटे थे, एक अफगान जागीरदार थे, ठीक है, कौन सा एरिया, सरासम सासाराम इन बिहार। ही डिफीटेड सेवरल बिग एंड स्मॉल राजपूत एंड अफगान जागीरदार, और इन्होंने बहुत सारे जो छोटे 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 और बड़े जो राजपूत और अफगान जागीरदार थे उनको हराया और अपने अंडर में रखा। तो यहाँ पे देखे टॉम ऑफ शेरशाह सूरी सासाराम बिहार, ठीक है, इन्होंने खुद बनाया था ये जो मकबरा है, टॉम मतलब मकबरा। तो शेरशाह इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन हिज किंगडम, तो शेरशाह ने बहुत सारे चेंजेस लाए ताकि वो जो अपना जो किंगडम है उसको मजबूत बना के रख सके। ही पेड स्पेशल अटेंशन टू कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स, रेस्ट हाउसेस एंड जेल्स, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से मतलब स्पेशल मतलब तरीके से वो जो रोड्स है बिल्डिंग्स है उनके कंस्ट्रक्शन में ध्यान दिया करते थे, रेस्ट हाउसेस बनाया करते थे और जेल्स भी बनाया करते थे। वन ऑफ हिज ऑफिशियल टोडरमल, राजा टोडरमल असिस्टेंट हिम इन सेवरल लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स, और एक उनका ऑफिशियल था, एक जो उनका ऑफिसर था, ठीक है, राजा टोडरमल, वो उनको असिस्ट किया करता था, मतलब उनका साथ दिया करता था, हेल्प किया करता था, ये जो लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट है, मतलब रेस्ट हाउसेस बनाना हो गया, रोड्स हो गया, तो ये सब जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, उनमें उनका हेल्प किया करता था। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू करेंसी इंक्लूडिंग कॉपर कॉइन्स नॉन एज डैम एंड सिल्वर कॉइन्स को रुपया, ठीक है, जैसे कि अभी जो हम आप जान रहे हैं यहाँ पे जो टर्म रुपी है वो इसी वर्ड से आया, रुपया। तो उन्होंने नई करेंसी लेके आई जिसमें कॉपर कॉइन्स को यूज किया उन्होंने, और इसे क्या कहा जाता था, डाम कहा जाता था, और सिल्वर कॉइन्स को रुपया कहा जाता था। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्म्स वे लेटर अडॉप्टेड बाय अकबर, और ये जो रिफॉर्म्स है, ये जो चेंजेस थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको बाद में जो अकबर ने भी अपनाया। शेरशाह बिल्ट अ लार्ज मॉसोलियम एट फॉर हिमसेल्फ एट सासाराम, तो उन्होंने खुद के लिए एक मकबरा बना के रखा था, अपनी कब्र बना के रखी थी, ठीक है, कहाँ पे, सासाराम में। ही डिड नॉट रूल फॉर लॉन्ग टाइम इन बैटल 1545 बाय अटैकिंग द खलिंजार फोर्ट, तो ये ज्यादा देर ये भी ज्यादा दिन तक मतलब इन्होंने रूल नहीं किया और ये इनकी भी मृत्यु हो गई बैटल लड़ाई लड़ते हुए 1545 में, जब ये खंजर फोर्ट को इन्होंने अटैक किया। तो देखिए अम्पायर ऑफ अकबर देखना है हमको, 1605 का ये अम्पायर है। तो देखिए यहाँ पे काबुल हो गया, खानदान हो गया, मुल्तान हो गया, कश्मीर हो गया, पानीपत, दिल्ली, आगरा, अजमेर, उज्जैन, अहमदाबाद, अहमदनगर, बिदर, बरार, ठीक है, इलाहाबाद, गंगा रिवर, तोला, ये पूरा जो एरिया कटक, ठीक है, थोड़ा छत्तीसगढ़ को छोड़ के पूरा एरिया जो है अकबर के अंडर था। तो अब हमको अकबर के बारे में देखना है, जिनका टाइम पीरियड था 1556 से 1605 तक। When Humayun died, his son Akbar was a young boy like all of you. तो जब हुमायूं की डेथ हुई, ठीक है, हुमायूं कौन है, उनके पिता, तो बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद उनका बेटा अकबर। तो जब अकबर जब छोटा था, है ना, जैसे कि मतलब 12-13 साल तक का था, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। But Bairam Khan, one of Humayun's trusted officers, crowned him king. तो बायराम खान जो है हुमायूं का एक बहुत ही मतलब वफादार ऑफिसर था, उसने अकबर को क्या कर दिया, किंग बना दिया, क्राउन हिम किंग, ऐसे मतलब उसको किंग बना दिया, राजा बना दिया। दिस वाज एन एनॉर्मस रिस्पांसिबिलिटी फॉर यंग अकबर, तो अब राजा तो बन गया लेकिन एनॉर्मस, उसके साथ साथ उसको एनॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गई छोटे से अकबर को, ठीक है, एनॉर्मस मतलब बहुत सारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। ही रूल्ड विद द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ बायराम खान अंटिल ही रीच्ड एडल्टहुड, तो उन्होंने क्या है, बायराम खान की हेल्प और गाइडेंस,
ठीक है, हेल्प और गाइडेंस से राज राज किया जब तक वो बड़े नहीं हो गए, अडल्टहुड मतलब बड़े नहीं हो गए, ठीक है। आफ्टर दैट ही टुक ओवर रीन्स ऑफ हिज एम्पायर एंड रूल्ड इट सक्सेसफुली टिल हिज डेथ। और उसके बाद जो है वो बिल्कुल रुके नहीं, उनके पास जितनी एम्पायर थी उसको उन्होंने बहुत अच्छे से चलाया, और उस एम्पायर में के अंदर और कई सारे किंगडम्स को इंक्लूड भी किया और बहुत अच्छे से राज किया जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। तो इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो बायराम खान इनका मतलब बहुत ही वफादार ऑफिसर था, लेकिन क्या हुआ है ना, बायराम खान जो है उनका गार्जियन था, तो वो हमेशा जो है अकबर को रोक टोक करा करते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अकबर ने फिर एक कॉन्स्पिरेसी रची बायराम खान के खिलाफ, तो उन्होंने क्या किया, उसको हज पे भेज दिया, आप मक्का जाइए वहां पे दर्शन करिए, ऐसा करके फिर वहां पे रास्ते में ही जो है बायराम खान का क्या करवा दिया, मर्डर करवा दिया। तो देखिए पहले कैसा हुआ करता था, कोई भी अपना नहीं हुआ करता था। तो अभी आगे भी हम देखेंगे जब बेटा है ना, बेटा जो है वो अपना नहीं हुआ करता था, बेटा अपने पिता को राज्य काज के लिए, ठीक है, किंगडम के लिए जेल में डाल देता था। ये सारी चीजें भी है इसके बाद वाले चैप्टर में हम देखेंगे। तो यहाँ पे अकबर का कोट, ठीक है, अकबर का कोट है लगा हुआ है, उसको दिखाया गया है इस पिक्चर में। तो अकबर ने कौन से किंगडम्स को अपने अधीन रखा, उसको हमको देखना है। अकबर वांटेड टू एस्टैब्लिश अ ह्यूज एम्पायर, सो ही बिगन इन्वेडिंग इन नेबरिंग किंगडम। तो अकबर जो चाहते थे कि वो पूरा जो एम्पायर है अपना, जो एम्पायर है उसको बहुत ही बड़ा करे, तो इसलिए उन्होंने जो नेबरिंग किंगडम्स है उसको अपने अधीन रखना चालू कर दिया, उसमें कब्जा करना चालू कर दिया। ही वोन मैनी बैटल्स एंड कैप्चर्ड मैनी किंगडम्स इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और बहुत सारे किंगडम्स जो है उसको थोड़े ही समय में अपने कब्जे में कर लिया। तो मालवा इन 1561, गुडवाना 1564, चित्तौड़ 1568, गुजरात 1572, बंगाल 1574, कंटिन्यूइंग हिज कैंपेन फ्रॉम 1586 टू 1600। इतने सारे किंगडम्स को अपने अंदर में रख लिया, और ये जो कैंपेन है, ये जो इनका अभियान है 1586 से 1600 तक कंटिन्यू था। तो इन्होंने और कब्जा किया किसमें किसमें, कौन सा रीजन ही एनेक्स्ड, ठीक है, अपने अधीन रखा, कश्मीर, सिंध, कांधार, उड़ीसा, एज वेल एज सदर्न किंगडम्स ऑफ बिरार, अहमदनगर, खानदेश, इंटकार। तो इतने सारे जो किंगडम्स है उसको अपने अंडर में कर लिया अकबर ने। तो अकबर वॉन्टेड टू बिल्ड एन एम्पायर इन विच इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कुड कॉन्ट्रीब्यूट। तो अकबर जो है एक ऐसा एम्पायर बनाना चाहते थे जहाँ पे मतलब बहुत ही मुख्य और एकदम पावरफुल शक्तिशाली लोग हो, जो पूरे इंडिया में जितने भी महान महान लोग हो, जितने भी स्कॉलर्स हो है ना, जिनके पास अच्छे टैलेंट है, वो उनके एम्पायर में रहे। और ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब हर तरीके से, मतलब अच्छे क्राफ्ट्समैन है तो वो उनके किंगडम में रहे, उनके एम्पायर में रहे, अच्छे पोएट है तो है ना, बेस्ट ऑफ बेस्ट जो पोएट्स है, बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलिट्री ऑफिसर्स है, बेस्ट ऑफ बेस्ट और भी मतलब पेंटर्स है, तो सारे जो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो लोग हैं उनके किंगडम में रहे। इन द बिगनिंग ऑल हिज सीनियर ऑफिसर्स एंड जनरल्स वर पीपल फ्रॉम ईरान और टर्की। और जो शुरुआती तौर टाइम में क्या था, जितने भी उनके ऑफिसर्स और जनरल्स हुआ करते थे वो क्या है या क्या हुआ करते थे, ईरान या टर्की से हुआ करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही बिगन अपॉइंटिंग इंडियन मुस्लिम्स टू दिस पोस्ट, स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू द फैमिलीज ऑफ सूफी सन्स एंड अफगान जमींदार। और उसके बाद जो है उन्होंने जो ये जो पोस्ट है उसको इंडियन मुस्लिम्स को देने लगे, और स्पेशली है ना जो सूफी सन्स की फैमिली से बिलोंग करते थे और अफगान जमींदार से उनके फैमिली से। ही वॉन्टेड टू He also wanted to appoint the defeated Rajput kings as officials in his empire. और वो ये भी चाहते थे कि जो उन्होंने हराए है ना, जो राजपूत किंग्स को हराए थे उनको भी वो अपने एम्पायर में अच्छे पोस्ट दे, ठीक है। सो ही एक्सटेंडेड हिज हैंड इन फ्रेंडशिप टुवर्ड्स हिम। तो इसलिए जो है वो अपना हाथ बढ़ाया, उन्होंने एक्सटेंडेड हिज हैंड मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाया उनके तरफ, जो राजपूत किंग्स है उनके तरफ, और उनको अपने एम्पायर में अच्छे पोस्ट में रखा। ही प्रोमिस टू रिटर्न देयर किंगडम्स ही इफ दे एक्सेप्टेड देयर सुजरेनिटी। मतलब उन्होंने प्रोमिस किया कि वो जो उनका जो किंगडम उन्होंने हथियार के रखा है उनको वापस दे देंगे अगर वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो उनके अधीन है। सुजरेनिटी मतलब उनके अधीन है, मतलब अकबर के अधीन है। ही प्रॉमिस देम हाई पोस्ट सेइंग दैट देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उन्होंने प्रॉमिस किया कि उन्होंने उनको अपने राज्य में अच्छे पोस्ट देंगे, अच्छे ऑफिसर्स का पोस्ट देंगे, और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा रिलीजन के बेसिस में, क्योंकि राजपूत रूलर जो है वो हिंदू धर्म को मानते हैं, और अकबर का कौन सा धर्म था, मुस्लिम।
ही मैरिड सेवरल प्रिंसेस टू स्ट्रेंथन हिज अलायंस विद द राजपूत किंग। और उन्होंने ये जो रिश्ता है, ठीक है, अलायंस मतलब ये जो रिश्ता है राजपूत किंग के साथ, उसको और बेहतर बनाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत करने के लिए उन्होंने शादी करना चालू किया राजपूत प्रिंसेस से। द प्रिंसेस वर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजन इवन आफ्टर देयर मैरिज। और जो प्रिंसेस हुआ करती थी उनको बहुत ही अच्छे से फ्रीडम दिया गया था कि वो अपना जो रिलीजन है, मतलब अगर वो हिंदू धर्म की है तो वो हिंदू धर्म को मान सकती है शादी के बाद भी। ही हेल्प राजा भारमल ऑफ कछवाहा डायनेस्टी ऑफ अमेनिया जयपुर बाय अपॉइंटिंग हिज सन भगवान दास एंड ग्रैंड सन मान सिंह टू हाई रैंक इन सर्विस। और उन्होंने जो है राजा भारमल ऑफ कछवा डायनेस्टी को, डायनेस्टी ऑफ अजमेर, ठीक है, अमेनिया जयपुर को उन्होंने इनकी हेल्प की। उनके जो बेटे थे भगवान दास को उनको, और उनके जो ग्रैंड सन थे मान सिंह, उनको अच्छी पोस्ट दी अपने अंपायर में। राजा भारमल गेव हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज टू अकबर। और उसके बदले में राजा भारमल जो है उन्होंने अपनी बेटी की शादी किससे करवाई, अकबर से। दिस मैट्रिमोनियल अलायंसेस एंड अकबर्स डिप्लोमेटिक पॉलिसी वॉन हिम द लॉयल्टी ऑफ राजपूत हु एक्सेप्टेड हिज अथॉरिटी। द ओनली एक्सेप्शन वॉज राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ हु कंटिन्यूड टू डिफाई हिम, मतलब उसका विरोध करते रहे। तो उन्होंने देखिए यहाँ पे जो ये जो शादी वाला जो रिश्ता है, ठीक है, जो मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है, मैट्रिमोनियल मतलब शादी का जो रिश्ता है, और जो अकबर की जो डिप्लोमेटिक कूटनीति वाली जो पॉलिसी थी, इसके कारण जो है बहुत सारे जो राजपूत हैं उनके वफादार बन गए। सिर्फ और सिर्फ राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उनका विरोध करते थे। तो अकबर और राणा प्रताप के बारे में अब हमको देखना है। In 1576, Akbar sent a huge army to Chittorgarh under the command of Raja Man Singh and Prince Salim to fight Rana Pratap. तो 1576 में अकबर ने बहुत ही बड़ी आर्मी भेजी कहाँ, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, और इसके कमांडर कौन थे, राजा मान सिंह और प्रिंस सलीम, ताकि वो राणा प्रताप से लड़ाई लड़ सके। द बैटल बिटवीन द टू आर्मीज टू प्लेस एट हल्दी घाटी। और ये जो बैटल है, ये जो लड़ाई है, ये दोनों आर्मीज के बीच, मतलब अकबर की जो आर्मी और राणा प्रताप की जो आर्मी है, वो कहाँ पे हुई, हल्दी घाटी में। इसलिए इसे कहा, क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। द मुगल्स वोन बट राणा प्रताप रिफ्यूज टू एक्नॉलेज डिफीट। तो इसमें भी क्या हुआ, अकबर जो है वो जीत गए, लेकिन जो राणा प्रताप है वो उनकी जो उनको हार जो है, डिफीट जो है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। ही शॉट शेल्टर इन द हिली रीजन ऑफ चित्तौड़गढ़ एंड कंटिन्यू टू रेजिस्ट द मुगल्स थ्रू आउट हिज लाइफ। तो उन्होंने क्या है, शेल्टर ली, शरण ली जो हिली रीजन थे चित्तौड़गढ़ का वहां पे, और वो मतलब जीवन भर जो है मुगल्स को क्या है, हराने की कोशिश करने लग गए। ही रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी विद द मनी गिवन टू हिम बाय भामा शाह हिज मिनिस्टर इन मेवाड़। और उन्होंने जो है अपनी आर्मी को फिर से ऑर्गेनाइज किया, और इनको पैसा किसने दिया, उनका जो मिनिस्टर था भामा शाह उसने, और वो फिर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। ही ऑल्सो सक्सेसफुली री एस्टैब्लिश हिज होल्ड ओवर सेवरल पार्ट्स ऑफ हिज किंगडम। और उन्होंने धीरे से जो है मतलब सक्सेसफुली अपने कुछ जो किंगडम्स है जो हार गए थे वहाँ पे अपना कंट्रोल जो है एस्टैब्लिश कर लिया। थ्रू दिस पॉलिसी, थ्रू दिस पॉलिसी अकबर वाज एबल टू इंक्लूड इंडियन मुस्लिम्स, राजपूत किंग्स एंड अदर इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन बिसाइड पीपल फ्रॉम टर्की एंड ईरान। और ये जो पॉलिसीज है उसको अपना के, ठीक है, मैरिज अलायंसेस हो गया, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज हो गया, और सुजरेटी वाला जो पॉलिसी हो गया, उससे जो है अकबर जो है अपने एम्पायर में, ठीक है, इंडियन मुस्लिम्स को भी रखा था उन्होंने, राजपूत किंग्स को भी रखा था, ठीक है, इनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आए थे। अब हमको देखना है रानी दुर्गावती और अकबर के बारे में। तो रानी दुर्गावती बहुत ही वीरांगना लेडी थी, और उनकी लड़ाई हुई अकबर से। तो अकबर वांटेड टू एनेक्स गुडवाना और गढ़कटंगा, द रिच एंड पावरफुल किंगडम ऑफ गोंड्स विच हैड इट्स कैपिटल एट चौरागढ़। तो अकबर जो है वो चाहते थे जो गुडवाना और ज्ञाते हुए गढ़कटंगा भी कहा जाता है, उसको वो कब्जा करे। तो ये क्या था, बहुत ही रिच और पावरफुल किंगडम था गोंड्स का, ठीक है, गोंड्स एक ट्राइब है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और इनका कैपिटल क्या हुआ करता था, चौरागढ़। तो फॉलोइंग द डेथ ऑफ दलपत खान इन 1548, हिज 5 year ओल्ड सन वीर नारायण सिंह असेंडेड द थ्रोन ऑफ गढ़कटंगा। तो देखिए यहाँ पे जो इनका किंग था दलपत, ठीक है, दलपत किंग, ठीक है, किंग दलपत, इनकी मृत्यु हो गई 1548 में। तो उनकी मृत्यु के बाद उनका 5 साल का छोटा सा बेटा वीर नारायण सिंह जो है उसको राजगद्दी में बैठा दिया गया गढ़कटंगा के। तो हिज मदर दुर्गावती वाज हिज गार्जियन, रूल्ड द किंगडम सक्सेसफुली ऑन हिज बिहाफ विद द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ हिज मिनिस्टर्स। तो उसकी जो मदर थी, उनकी जो माँ थी दुर्गावती, वो उनकी गार्जियन बनी,
ठीक है, मतलब उनकी देख रेख करने वाली बनी, और उन्होंने जो है ये जो इनका किंगडम था उसको बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली जो है उनके बिहाफ में चलाया। और उन्होंने गाइडेंस किससे ली, उनके जो मिनिस्टर थे उनसे। शी एस्टैब्लिश पोलिटिकल यूनिटी एंड पीस थ्रू आउट गुडवाना विद हर लिबरल एटीट्यूड एफिशिएंसी एंड एबल एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छे से मतलब राजनीति में भी बहुत ही अच्छे से यूनिटी और पीस, है ना, पूरा जो गुडवाना किंगडम है उसमें एकदम शांतिपूर्ण माहौल उन्होंने बना के रखा था। ठीक है, क्योंकि उनका लिबरल एटीट्यूड था, एकदम खुले स्वतंत्र व्यवहार की थी, विचार की थी, वो एकदम एफिशिएंट भी थी, एकदम काबिल भी थी और एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर भी थी। व्हेन अकबर्स आर्मी अटैक गुडवाना अंडर द कमांड ऑफ असफ खान, रानी दुर्गावती रोड टू बैटल इन आर्मर माउंटेड ऑन हर एलिफेंट। तो जब अकबर की जो आर्मी है वो गुडवाना में उन्होंने अटैक किया, तो जो कमांडर था असफ खान, ठीक है, वो है ना, किसके अकबर की आर्मी जो है उन्होंने गुड़वाना को अटैक किया किसके अंदर, जो कमांडर था असफ खान उनके अंदर में। तो रानी दुर्गावती है वो भी पीछे नहीं हटी, वो भी बैटल फील्ड में आई आर्मर के साथ। आर्मर जो सैनिक जो कपड़े वगैरह पहनते हैं ना, जो सैनिक जो कवच पहनते हैं, ठीक है, कवच, उसको आर्मर कहा जाता है। और किसमें आई, एलिफेंट में लड़ने के लिए आई। अनफॉर्चुनेटली शी वॉज स्ट्रक बाय एन एरो एंड फेल अनकॉन्शियस। लेकिन क्या है, दुर्भाग्य की बात है कि उनको क्या है, एक एरो लग गया, मतलब एक तीर लग गया, और वो क्या हो गई, बेहोश हो गई। ऑन गेनिंग कॉन्शियस शी लर्न दैट हर आर्मी हैज बीन डिफीटेड। और जब उनको होश आया तो उनको पता चला कि उनकी जो आर्मी है वो क्या है, अकबर के पास हार चुकी है। ही स्टैब्ड हरसेल्फ टू डेथ फियरफुल ऑफ फेसिंग डिसग्रेस व्हेन कैप्चर्ड बाय द एनिमी। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को खत्म कर दिया, स्टैब मतलब चाकू से उनको अपने आप को खंजर बोप लिया, ठीक है, ताकि वो जो ये जो कलंक है हारने का उसको ना झेल पाए जब उनकी आर्मी जो है उसको अकबर ने कैप्चर किया। एट दैट टाइम छत्तीसगढ़ वाज नोन एज रतनपुर किंगडम एंड वाज रूल्ड बाय कंचुकुली डायनेस्टी। और इस समय जो है छत्तीसगढ़ को रतनपुर किंगडम, ठीक है, वो रूल करते थे, उनका राजा कौन था, कंचुकुली डायनेस्टी के राजा थे। इन दिस वे ड्यू टू दिस पॉलिसीज ऑफ अकबर अमंग इट्स ऑफिस बेयरर्स इट डिसाइड ईरान एंड सेटर के। और इसी तरीके से जो अकबर की पॉलिसीज है उससे वो बहुत सारे रिलीजियंस जो है वो उसको अपने कब्जे में करने लग गए, और उनके ऑफिसर्स में राजपूत थे, ठीक है, जैसे कि हमने देखा राजपूत किंग्स थे, मुस्लिम्स थे, और उसके साथ साथ ईरान और टर्की भी थे। अब उसके बाद हमको देखना है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद हमको अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखना है। तो अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, सॉरी मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे हम वीडियो लेक्चर को ब्रेक करेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो लेक्चर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो। और अगर मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोज डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।